मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी और उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों को प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी कई बार एग्जिट पोल में जो नतीजे बताए गए थे उसके विपरीत परिणाम आए हैं, इसलिए ये कहना एग्जिट पोल ही 23 मई को नतीजों में बदलेंगे ये सही नहीं है। हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश और देश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, जिसके लिए हम आश्वस्त हैं। इसके साथ ही इस एग्जिट पोल के नतीजों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी और उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी और उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, जो एग्जिट पोल निकल कर आया है, कल से लगातार चल रहा है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत के आसपास बता रहे हैं, क्या लग रहा है सर? ये देखिए, ऐसा तो पहले भी 2004 में हुआ था, तब एग्जिट पोल बता रहे थे कि देश में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की या भाजपा समर्थित सरकार बनेगी, किंतु निर्णय उल्टा हुआ और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी। मैं ये मानता हूँ कि जो एग्जिट पोल हैं ये नियोजित हैं और इनका कोई मतलब नहीं है, पूरी तरह अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, और मैं मानता हूँ कि एक तरह से यदि कहा जाए तो मैनेज किए हुए हैं। सर, बीजेपी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है कल, जिस तरीके से, क्योंकि बम्पर मतदान मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बीजेपी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है। बीजेपी का कहना है ये जो बम्पर मतदान हुआ है पूरे देश में, उसका सीधे तौर पर प्रभाव और जो पक्ष है वो बीजेपी के पास जा रहा है जनता का। नहीं नहीं, ये उनका आकलन इसलिए है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके हिसाब से उनको लगता है कि उनकी सरकार बनेगी, परंतु जैसा मैंने कहा है कि ऐसा कोई स्थिति नहीं है। और ठीक है, 2-3 दिन उत्साह कर लें, 23 तारीख को जब वास्तविक नतीजे आएंगे तब ये मेरा मानना है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। इसके अलावा सर, मध्य प्रदेश की बात करें, इस बार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी है। अभी तक अगर हम बात करें, 4 चुनाव परिणाम ऐसे हैं, चाहे हम 1980 की बात करें, 84 की बात करें, 2004 की बात करें या 2009 की, अब 2019 का मामला है सर, कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है। सीएम कमलनाथ जी ने भी बार बार कहा कि 22 सीटों के आसपास, क्या स्थिति लग रही है सर? नहीं देखिए, कमलनाथ जी ने कल भी कहा है कि विधानसभा के चुनाव में जो एग्जिट पोल हुआ था उससे विपरीत निर्णय आया। विधानसभा चुनाव में ये कहना था कि भाई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि ये भी कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में सबसे हालत ख़राब रहेगी। इसका उल्टा हुआ, वहाँ पर बहुत अधिक मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी। मैं मानता हूँ कि जैसा हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि 15 से 22 के बीच में सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी। सर, बीजेपी कह रही है आएगा तो मोदी ही और होगा न्याय, क्या लग रहा है सर? नहीं, न्याय वो कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु जो न्याय शब्द है वो कांग्रेस का है और राहुल गांधी जी ने न्याय के जरिए देश की आम जनता को के लिए जो हितकारी कार्यक्रम करना है उसका वर्णन किया है उन्होंने। 21 तारीख को एक बड़ी बैठक भी जो है PCC में बुलाई है सर, उसको लेकर क्या रणनीति, क्योंकि अब एग्जिट पोल आ गए हैं, प्रत्याशियों से आप चर्चा करेंगे, क्या किस पूरा लबोलबाब क्या रहने वाला बैठक? नहीं नहीं, बैठक में कोई एग्जिट पोल पर चर्चा नहीं होगी। बैठक में तो हम कांग्रेस के प्रत्याशियों से जानना चाहेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा है, किस तरह मतदान हुआ है, कांग्रेस का समर्थन व्यापक रूप से किस तरह हुआ है, इन विषयों पर चर्चा होगी। एग्जिट पोल पर कोई चर्चा होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में हम अधिक से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जीतेंगे। सर, MLAs के साथ भी 1-to-1 चर्चा है, पहले प्रत्याशियों के साथ बैठेंगे फिर MLAs के साथ? नहीं, विधायकों के साथ चर्चा तो विकास के काम, निर्माण के काम, उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं, आगे क्या करना है, किस तरह हम जनहितकारी कार्यक्रम कर सकें, किस तरह हमारे वचन जो पूरे हुए हैं कमलनाथ जी ने किए हैं, आगे और कौन से वचन शीघ्रता से पूरे करना है, इस तरह की चर्चा होने वाली है। उसमें एग्जिट पोल की चर्चा कोई संभावना नहीं है। सर, आखिरी सवाल, एक फॉर्म भी जो है PCC चीफ ने निर्देश दिए थे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि जहां पर वोटिंग प्रभावित हो रही है या अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है, ऐसे लोगों का पूरा बायोडाटा, कहां वो पदस्थ हैं, वो सब जो है कांग्रेस दफ्तर में जमा कराएं? नहीं, लगभग 12 शिकायतें प्राप्त हुई, वो भी विधानसभा चुनाव की। वर्तमान चुनाव के संदर्भ में अभी हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। विधानसभा चुनाव के समय जिन अधिकारियों ने पक्षपात किया है या पक्षपात किए जाने की संभावना है, उसके संबंध में जो हमारे पास शिकायतें आई है उसकी जांच कराएंगे। सर, क्या लग रहा है, आश्वस्त हैं सर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी?
बिल्कुल होगी। मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस को मिलेगी और दिल्ली में यूपीए की सरकार बनेगी, मैं इसलिए पूरी तरह आश्वस्त हूँ। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर जी हमारे साथ थे, जो साफ तौर पर इस बात का जो है दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस को मिलेंगी और केंद्र में जो है यूपीए की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सेन, ND24 भोपाल।